एसएसपी उधमपुर राजीव पांडे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उधमपुर में लगभग 204 किलो खसखस और 15 ग्राम हीरोइन बरामद की गई है। चिनैनी पुलिस ने 203 केजी भुक्की जो है वो रिकवर की हुई है एक पंजाब बाउंड ट्रक से, जिसमें एक बंदा भी अरेस्टेड है, बाकी तफ्तीश जारी है। साथ ही साथ मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हमने ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम छेड़ रखी है उसमें पिछले दो हफ्ते पहले एक PSA भी लगाया हमने, जो नोटोरियस थीफ था और जिसने ड्रग पेडलिंग में काफ़ी काम किया था। और आज भी हमारे उधमपुर थाने में लगभग 15 ग्राम के करीब चिट्टा पकड़ा गया है एक लड़के से, उसमें भी अरेस्ट हुए हैं, एक बंदा फरार भी है उसमें, उसको भी हम अप्रेंड करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल इस केस में फिलहाल दो बंदे जो हैं वो अरेस्टेड हैं। तो उसी के साथ साथ हमारी जो ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई है ये जारी रहेगी और आगे भी जो इसमें नोटोरियस ड्रग पेडलर्स हैं उनको हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको कानून की गिरफ्त में लिया जाए। और साथ ही साथ जो ये इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं SO को PSA में बुक करके उनको जो है समाज से उनको थोड़ा सा वंचित किया जाए, ताकि ये जो बड़ा जुर्म है ये हमारे समाज से हट सके। देखिए, मैं कहूँगा कि सोसाइटी को एज अ होल आगे आना चाहिए बिफोर कि हम कहीं हमारे हालात ऐसे हो जाए कि उड़ता पंजाब जैसी कोई मूवी बनने लगे, या तो इस तरीके से हालात ख़राब हो जाए कि बेकाबू हो जाए। तो मैं पेरेंट्स से अपील करूंगा, जिनको कोई प्रॉब्लम है, जिनको लगता है कि उनके बच्चे इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, तो वो आगे आए, पुलिस के हेल्प मांगे। और हमने ड्रग रिएडिक्शन सेंटर भी खोल रखा हुआ है यहाँ पर, वहाँ पर उनको काउंसलिंग होगी। अगर एडवांस उनको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो उनको हम जम्मू